प्यारे मित्रों, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग राजभाषा से रिलेटेड सरकारी काम काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय कामा रेलवे बोर्ड द्वारा लागू प्रोत्साहन आबलिक पुरस्कार योजनाएं के संबंध में स्टडी करेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियोज में हमने जो है 16 टाइप का जो पुरस्कार योजना है उसके बारे में स्टडी करा दिया है। इस पार्ट में हम जो है 17वां टाइप का जो पुरस्कार योजना है और 18वां टाइप का जो पुरस्कार योजना है उसके बारे में स्टडी कराएंगे। देखिए, फिलहाल जो ये आपका रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय, ध्यान दीजिए, इसके द्वारा जो है 18 टाइप का पुरस्कार योजना का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, एक्चुअल में जो 17वां टाइप का पुरस्कार योजना है वो क्या है, तो देखिए 17वां टाइप का पुरस्कार योजना ये टाइपिस्टों आबलिक आशुलिपिकों हेतु पुरस्कार भत्ता योजना। देखिए, पुरस्कार भत्ता योजना, इसका नाम है कि टाइपिस्टों आबलिक आप देखिए आशुलिपिकों हेतु पुरस्कार भत्ता योजना। एक्चुअल में इस योजना में क्या बोला गया है कि देखिए, इस योजना में वह टाइपिस्ट आबलिक आशुलिपिक भाग लेने के पात्र हैं, जो अपने अंग्रेजी काम के अलावा देखिए, पांच पत्र आबलिक टिप्पणियां प्रतिदिन अथवा 300 पत्र आबलिक प्रारूप आबलिक टिप्पणियां प्रति तिमाही हिंदी में टाइप करते हैं। देखिए, अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि इस योजना में वह टाइपिस्ट या आशुलिपिक भाग लेंगे भाई जो अंग्रेजी काम के साथ साथ, देखिए वे लोग पात्र हैं जो अंग्रेजी के साथ साथ भाई 5 पत्र
भाई देखिए अंग्रेजी के साथ साथ पांच पत्र आवलिक टिप्पणियां प्रतिदिन अथवा देखिए 300 पत्र आवलिक प्रारूप आवलिक टिप्पणियां प्रति तिमाही प्रति देखिए प्रति तिमाही का टारगेट ये है हिंदी में टाइप करते हैं हिंदी में ये टाइप करते हैं। देखिए उनको तो इंग्लिश में भी काम करना है बट उसके अतिरिक्त ये हिंदी में ये काम कर रहे हो तो उनके लिए जो है देखिए पुरस्कार भत्ता योजना क्या किया गया है ये मैं आपको बता दूं। आशुलिपिक देखिए जो आशुलिपिक हैं आशुलिपिक उनके लिए 240 रुपया प्रति माह जरा ध्यान दीजिएगा इनको प्रति माह भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और जो टाइपिस्ट हैं टाइपिस्ट उनको जो है 160 रुपया देखिए प्रति माह। अब ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि भाई कितने लोगों को दिया जाएगा पुरस्कार की आखिर मतलब भत्ता की संख्या भाई देखिए। तो इसमें जो है एक्चुअल में क्या है देखिए मैं लिख दे रहा हूं पुरस्कार की संख्या निर्धारित नहीं है। आप सोच भी रहे होंगे और सोच भी लिए होंगे कि क्यों नहीं निर्धारित है भाई जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को तो ये भत्ता दिया जाएगा इसीलिए पुरस्कार की संख्या निर्धारित नहीं है। कर्मचारियों द्वारा निर्धारित कार्य के आधार पर देखिए यहां पर क्लियर समझिए एक्चुअल में इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि संख्या पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा ये भत्ता कितने लोगों को दिया जाएगा ये निर्धारित नहीं है भाई। देखिए वह जो है एक जोनल रेलवे में 100 भी हो सकते हैं 200 भी हो सकते हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं भाई। देखिए इसका जो है नंबर बोलना ठीक नहीं है क्योंकि जो ये जो है देखिए अगर इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और उनका जो ऑफिसर है वो वेरीफाई करेगा तो न भत्ता मिलेगा इसीलिए इसका नंबर जो है स्पेसिफाइड नहीं है। इसके बाद देखिए जो 18वां पुरस्कार योजना है वो क्या है तो देखिए एक्चुअल में ये 18.1 देखिए ये राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ठीक है। देखिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना एक्चुअल में गृह मंत्रालय कामा राजभाषा विभाग के लिए योजना है। देखिए यह योजना जो है क्लियर समझ लीजिए कि
कि ये जो है गृह मंत्रालय कामा राजभाषा विभाग के लिए है, मतलब ये गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के लिए है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार। देखिए राजभाषा गौरव पुरस्कार। अब आप देखिए मैं जो सत्रहवां पुरस्कार योजना बताया था उसको मैंने क्या कर दिया, बाइफर्केट कर दिया। तो देखिए ये गौरव पुरस्कार योजना है वो भाई कैसे जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिए भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान विज्ञान संबंधी जो मौलिक पुस्तक लेखन के लिए, देखिए मौलिक पुस्तक लेखन के लिए ये राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा कि हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई देखिए इसमें पुरस्कार की राशि क्या होगी, तो देखिए एक्चुअल में जो प्रथम के लिए फर्स्ट पोजीशन के लिए देखिए इसमें 2,00,000 रुपया, देखिए ये 2,00,000 रुपया। अच्छा लेकिन एक पुरस्कार कितना होगा, 1 पुरस्कार बस, देखिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा द्वितीय पुरस्कार जो होगा ये होगा 1,25,000 रुपए का, और ये भी जो है 1 पुरस्कार होगा, ये भी कितना होगा सिर्फ 1 पुरस्कार। इसके बाद तृतीय पुरस्कार जो होगा वह होता है एक्चुअल में 75,000 रुपया, देखिए ये है 75,000 रुपी, और ये भी जो है 1 पुरस्कार। देखिए इसको हम जो है सर्कल में घेर दिए हैं। इसके अलावा जो है देखिए प्रोत्साहन जो है पुरस्कार जो होता है वो भी दिया जाता है, तो प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इसमें 10,000 रुपया, और देखिए 10 पुरस्कार दिया जाता है, कितना देखिए 10 पुरस्कार। इसका मतलब आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये 18.1 के अंतर्गत जो है कुल जो है 13 पुरस्कार दिया जाता है, 13 पुरस्कार, देखिए 13 पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम लोग 18.2 का स्टडी करेंगे, 18.2
और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि जो 18.2 है वो देखिए सेम आइटम यहां लिखना पड़ेगा कि राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना गृह मंत्रालय कामा राजभाषा विभाग के लिए यह योजना है। तो देखिए हम यहां पर क्या लिख दिए हैं, सेम मतलब यही आइटम सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में इसके लिए क्या कहा गया, इसके लिए ये कहा गया कि देखिए ये मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं। तो देखिए केंद्र सरकार के कार्मिकों, केंद्र सरकार के कार्मिकों ब्रैकेट में सेवानिवृत्त, देखिए सेवानिवृत्त सहित ब्रैकेट क्लोज को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए जो राजभाषा गौरव पुरस्कार, देखिए ये जो है अब आप क्लियर समझ गए होंगे, ये जो एक्चुअल में ये पुरस्कार जो है केंद्र सरकार के कार्मिकों, इसके अलावा जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके उनको भी, देखिए सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए ये जो राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। समझिए, ध्यान दीजिए। अब जो है क्वेश्चन ये उठता है कि इस पुरस्कार की राशि क्या होगी, तो देखिए इसमें जो है प्रथम को जो फर्स्ट पुरस्कार है वह है आपका 1,00,000 रुपया, देखिए 1,00,000 रुपया, और इसके लिए भी कितना पुरस्कार है, एक पुरस्कार है। अच्छा जो द्वितीय पुरस्कार है, देखिए द्वितीय पुरस्कार जो है इसमें 75,000 रुपया होता है, क्या होता है 75,000, और ये भी जो है वन पुरस्कार, ठीक है। और जो तृतीय पुरस्कार जो है ये 60,000 रुपया, देखिए 60,000 रुपया, और ये भी कितना होता है वन पुरस्कार। देखिए इसमें जो प्रोत्साहन हेतु जो पुरस्कार है वह जो है 30,000 रुपया है, कितना है 30,000 रुपया। देखिए लेकिन एक पुरस्कार है, सिर्फ कितना पुरस्कार है, एक पुरस्कार। देखिए इस वाले में जो प्रोत्साहन पुरस्कार है 10,000 है, बट 10 पुरस्कार है, लेकिन यहां पर प्रोत्साहन जो पुरस्कार है वह सिर्फ जो है कितना है 30,000 रुपया, एक पुरस्कार। तो इस तरह से देखिए ये जो 18.2 था ये भी हम लोगों का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है 18.3, और आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये भी सेम आइटम है, यहां पर सेम का मतलब यही
राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना गृह मंत्रालय कामा राजभाषा विभाग के लिए यह योजना है। समझ गए होंगे। और जो है इसमें क्या कहा गया कि देखिए केंद्र सरकार के कार्मिकों इसमें भी देखिए सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार। अब देखिए क्लियर समझ गए होंगे इसमें क्या है केंद्र सरकार के कार्मिकों जो कि मैंने सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए देखिए ये तो देखिए मौलिक पुस्तक लेखन के लिए बट ये जो देखिए दोनों में सिर्फ एक जगह फर्क है यहां पर हिंदी में तो देखिए हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए और यहां पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए बस सिर्फ इतना ही जो है इसमें और इसमें जो है उत्कृष्ट लेख बस के लिए बस यही जो है डिफरेंस है नहीं तो और सारा देखिए सेम है क्या है सेम है। अब देखिए इसमें जो है भाई पुरस्कार की राशि क्या होगी तो देखिए एक्चुअल में इसमें पहले तो हिंदी मान लीजिए कोई कार्मिक जो है वो अहिंदी भाषी है क्या है अहिंदी भाषी मान लीजिए अहिंदी भाषी है तो अहिंदी भाषी के केस में जो प्रथम पुरस्कार ये होगा आपका 25,000 रुपया कितना होगा 25,000। जो द्वितीय पुरस्कार होगा देखिए द्वितीय पुरस्कार ये है आपका 22,000 रुपया ये कितना है 22,000 रुपये और तृतीय जो पुरस्कार है देखिए ये है 20,000 रुपया ठीक है। अच्छा अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई कितने पुरस्कार दिए जाते हैं तो ये वन पुरस्कार तो देखिए ये वन पुरस्कार और ये भी जो है वन पुरस्कार ये भी जो है वन पुरस्कार और ये भी जो है वन पुरस्कार देखिए तो इसका मतलब आप क्लियर समझ गए होंगे एक एक पुरस्कार दिए जाते हैं। अब जो दूसरा जो है पुरस्कार इसमें होता है हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए देखिए प्रथम पुरस्कार देखिए इसमें जो है 25,000 है बट इसमें जो है 20,000 होता है इसमें जो है क्या होता है 20,000। देखिए द्वितीय पुरस्कार देखिए इसमें 22,000 है लेकिन इसमें सिर्फ 18,000 होता है क्या होता है 18,000 दिया जाता है 18,000 ठीक है। तृतीय पुरस्कार इसमें देखिए 20,000 है इसमें क्या है 20,000 बट यहां पर 15,000 इनके केस में हिंदी भाषी के केस में 15,000 रुपया दिया जाता है। अब रही बात कितने पुरस्कार दिए जाते हैं
तो देखिए प्रथम जो है ए पुरस्कार, और देखिए इसको मैं सर्कल में घेर दिया, दूसरा जो है ये भी एक पुरस्कार, एक पुरस्कार, और ये थर्ड जो प्राइज है वो भी एक पुरस्कार, एक पुरस्कार। तो देखिए एक एक पुरस्कार जो है ये जो अहिंदी भाषी और एक एक पुरस्कार हिंदी भाषी, तो कुल जो है देखिए इस केस में कुल जो है 6 प्राइज मतलब 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे 6 पुरस्कार इस केस में दिए जाते हैं, बट इस केस में देखिए टोटल जो पुरस्कार है वो कितना है आपका 4 पुरस्कार। टोटल जो प्राइज है टोटल वो है 4 पुरस्कार, 4 पुरस्कार। तो इस तरह से देखिए एक्चुअल में ये 18.1, 18.2, 18.3, देखिए ये एक्चुअल में हमने आपको बताया था राजभाषा के संबंध में जो पुरस्कार योजनाएं हैं वह मतलब 18 टाइप के पुरस्कार योजनाएं मतलब आज के डेट में जो है क्या है लागू है। तो मैंने 1x1 करके इन सारे जो है पुरस्कार योजना को आपको स्टडी करा दिया। अब मैं देखिए इसके बाद जो मैं अगला जो है आइटम राजभाषा से रिलेटेड अगले वीडियो में स्टडी कराएंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, धन्यवाद।